हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं रिव्यू में, तब आपके चैनल पे क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। जैसे कि आपने जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है और अब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं, तो आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला गया। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि अंडर रिव्यू में जाने के बाद जो यूट्यूब का मेंबर होगा, यानी कि जो भी सदस्य होगा यूट्यूब की टीम का, वो आपके चैनल पे क्या क्या देखता है, किस आधार पर वो डिसाइड करता है कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करना है या नहीं करना है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है कि हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने के बाद भी हमारा चैनल का मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं हो पाता है। तो इसी बारे में जानेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए एक एक करके पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है, वो देखी जाती है आपकी उन वीडियोज़ को अच्छे से ये लोग देखते हैं जिस पे कि आपने सबसे ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं। यानी कि अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है, या फिर मान लीजिए आपकी कोई वीडियो बहुत अच्छी चली है यूट्यूब पे, तो ये जो आपकी वीडियो है उन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखा जाता है कि कहीं उन वीडियोस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि इसी वीडियोस से आपने सबसे ज़्यादा वॉच टाइम लिया है और अपने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लिए हैं, है ना। तो इन वीडियोस को बड़े ध्यान से चेक किया जाता है यूट्यूब टीम मेंबर के द्वारा। वो लोग देखते हैं कि कहीं आपने इन वीडियोस में किसी दूसरे यूट्यूबर का कंटेंट तो नहीं चुरा के डाला है, या फिर वो देखते हैं कि कहीं पूरी वीडियो किसी की दूसरी तो नहीं है, मतलब किसी दूसरे यूट्यूबर की तो नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि किसी की क्लिप उठा ली और डाल दिया पूरा का पूरा, अपना कुछ नहीं उसमें रोल है, तो फिर और वो वीडियो वायरल भी हो जाती है कई बार, है ना। तो मतलब यूट्यूब टीम इसको बहुत अच्छे से चेक करती है कि उस वीडियो में आपकी मेहनत है या नहीं। मान लीजिए अगर आपका रोस्टिंग का चैनल है, आपने किसी का थोड़ा सा कंटेंट उठाया, उसको रोस्ट किया और उसमें आपने अपनी वैल्यू दे दी कि हाँ मैंने इस वीडियो में इस आदमी को रोस्ट किया है, तो आपका मोनेटाइजेशन पक्का ही अनेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरे वीडियो उठा के उसी का डाल दिया है, आपका कुछ मतलब कुछ योगदान अपना नहीं दिया है आपने, तो आपका मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं होता है। रिएक्शन वीडियोस भी कई बार, मतलब जो रिएक्शन देते हैं लोग, वो भी मतलब रिएक्शन दे रहे हैं तो साथ में कमेंट्री भी कर रहे हैं, है ना, तो उससे भी उनका मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाता है। लेकिन अगर हमने सेम की सेम वीडियो उठा के डाल दी है, तो हमारा मोनेटाइजेशन कभी भी अनेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है, वो देखी जाती है आपके नई वीडियोस को, मतलब जो भी आपने नई नई वीडियोस अभी डाल रहे हैं, वो चीज़ें भी बड़े ध्यान से यूट्यूब की टीम के द्वारा चेक किया जाता है कि कहीं भाई इन वीडियोस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या फिर आप प्रेजेंट में किस तरीके का काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये चीज़ वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने पहले कैसा काम किया है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में कैसा काम कर रहे हैं, है ना। तो वो आपकी नई वीडियोस को बड़े ध्यान से चेक करते हैं। तीसरी चीज़ है आपके चैनल की थीम चेक करते हैं कि आपका चैनल भाई किस दिशा की तरफ जा रहा है। आप एजुकेशन में जा रहे हैं, आप टेक की फील्ड में जा रहे हैं, या फिर आप किसी दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, वो लोग ये भी देखते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा चैनल पूरी तरीके से एजुकेशन का है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहले कुछ अगर पढ़ाई की वीडियोस बनाई है, कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं, तो वो एजुकेशन में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ प्लेटफॉर्म बताती हूँ जहाँ पर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं मोस्टली ऐसे ही प्लेटफॉर्म लेकर आती हूँ जहाँ पर आप लोग टीचिंग के माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं, तो वो चीज़ पूरी तरीके से एजुकेशन में आती है। उसके बाद जो है, अगर मैं कुछ मोटिवेशन भी दे रही हूँ, तो वो चीज़ भी एजुकेशन में ही आ जाता है, ठीक है। वो एजुकेशन में भी आता है, और किसी और अगर आप कैटेगरी में रखना चाहते हैं उसको, तो भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब जिसमें हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो भाई एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो आपका ये नहीं होगा कि आपने थीम चेंज कर दिया है। अगर हम बिल्कुल ही अलग दिशा में चले जा रहे हैं, मतलब कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों के मन में जो आपको देख रहे हैं, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता है यूट्यूब के द्वारा। ये बात बिल्कुल जो है उन्होंने खुद कही है कि भाई हम थीम देखते हैं कि आपका चैनल किस थीम के ऊपर है, किस दिशा में जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें हो भी जाती है, मान लीजिए कभी कभी आप अपने चैनल की दिशा थोड़ी बदल भी देते हैं, तो भी पूरी कोशिश करिए कि आप फेस कैम वीडियो बनाइए। फेस कैम अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाएगा, भले ही थीम थोड़ी सी चेंज भी है तो भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चौथी चीज़ जो चेंज की जांची जाती है यूट्यूब के द्वारा, वो होती है आपकी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। देखा जाता है कि भाई टाइटल में, टैग्स में या डिस्क्रिप्शन में आपने किस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या कोई गलत शब्द जैसे हैकिंग वगैरह तो आपने इस्तेमाल नहीं कर लिया है, या फिर आपने जो है, जैसे मैं मान लीजिए ये कर रही हूँ कि मैं सीटेट के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने टाइटल में लिख दिया भाई सीटेट के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मैंने टॉपिक लिख दिया अपना हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट,
अब जो मैंने डिस्क्रिप्शन था वो भी मैंने लिख दिया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और मैं जब टैक्स में गई तो मैंने लिख दिया सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन सबके जो फेमस फेमस लोग हैं या फेमस फेमस यूट्यूबर है उनके मैंने नाम लिख दिया कि भाई मेरा वीडियो चल जाएगा इनका नाम से। तो देखिए ऐसा तो पहली बार होगा नहीं कि आपका वीडियो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ गलत है। और इस तरीके का उपयोग करके अगर ये चीज नजर में आ गई उन टीम के मेंबर के द्वारा, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि गलत टैक्स हमको नहीं डालने हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें, जिस चीज से रिलेटेड आपका वीडियो है उसी रिलेटेड आप कंटेंट डालिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं सीटेट के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने टैक्स में डाल सकती हूँ सीटेट 2019, सीटेट 2020, हाउ टू क्लियर सीटेट और पेडागोजी फॉर सीटेट, मतलब जो भी सीटेट से रिलेटेड है ना वो मैं डाल सकती हूँ। बाकी किसी बड़े यूट्यूबर का नाम या किसी हीरो हीरोइन का नाम मैं नहीं डाल सकती। इसके अलावा हैकिंग वगैरह की अगर मैंने टैक्स वगैरह डाले तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद आपका थंबनेल पे भी देखा जाता है कि थंबनेल आपका किस तरीके का है, क्या आप लोग कुछ गलत पिक्चर तो नहीं लगा रहे हैं अपने थंबनेल में, कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं, मतलब कंटेंट का फोटो तो नहीं लगा रहे हैं जो सही नहीं है, है ना। क्योंकि भाई अगर आपने ऐसा कोई वीडियो बनाया है जिसमें थोड़ा आपने गलत थंबनेल लगा दिया, कोई सेमी न्यूड वगैरह पिक्चर लगा दी, तो वो पिक्चर यूट्यूब पे जो बच्चे यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहे हैं या यूट्यूब को देख रहे हैं उनकी नज़र में भी तो आ सकता है। तो इसीलिए आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है यूट्यूब अगर आपने कोई गलत पिक्चर लगाई है तो, ठीक है। तो थंबनेल का ध्यान रखें। उसके बाद जो चीज़ चेक की जाती है वो क्या चीज चेक की जाती है, हाँ वो ये चेक की जाती है कि आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का तो उल्लंघन नहीं किया है, यानी कि YouTube ने जो कम्युनिटी गाइडलाइंस दी है उनको आपने पालन किया है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि YouTube की नज़र में पहले नहीं ये चीज़ आ पाती है, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तब बड़े ध्यान से आपकी वीडियोज़ को देखा जाता है, और अगर आपने कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया है तो आपका जो है मोनेटाइजेशन अनेबल कभी भी नहीं होता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी है YouTube। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये चेक किया जाता है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन का पालन हो रहा है या नहीं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपकी वीडियोस में फुलफिल हो रही है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि आपकी जो वीडियोस है वो एड्स फ्रेंडली है या नहीं, यानी कि आपकी वीडियोस पे एड आने लायक है या नहीं, यानी कि अगर 18+ कंटेंट है आपका तो आपकी वीडियोस पे एड आने लायक नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो मोनेटाइजेशन है वो अनेबल नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि थोड़ा अच्छा ढंग का कंटेंट बनाए। उसके बाद मतलब हाँ ये चीज़ देखी जाती है बस, और एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है या नहीं आपका कंटेंट, है ना, और ये चीज़ देखी जाती है। और ये देखा जाता है कि लास्ट 365 दिन के अंदर अंदर आपने अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा कर लिया हो, लास्ट 365 दिन के अंदर। आपका चैनल भले ही 1998 में बना हो या 2012 में बना हो, ये चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट 365 दिन के अंदर जब से आपने वीडियोज़ डालने शुरू किया है उस दिन से अब तक जब आपने भेजा है रिव्यू के लिए और आपका चैनल रिव्यू हो रहा है, तब तक आपके जो है 4000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। चैनल कब बना लिया, जीमेल अकाउंट कब बना लिया, ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती है, क्योंकि मेरा चैनल खुद 2017 का है, लेकिन वीडियोस और अपना चैनल, मतलब मैंने जीमेल अकाउंट बनाया था 2017 में, लेकिन मेरा जो वीडियोस मैंने बनाई है या अपना जो चैनल मैंने स्टार्ट किया 2020 में किया है, जनवरी 2020 में, है ना। तो मेरा मोनेटाइजेशन अनेबल हो गया क्योंकि मैंने जो है जनवरी से लेकर और जो ये अभी चल रहा है इसमें जो है मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो ये चीज़ भी देखी जाती है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, यही बताना था कि क्या क्या चीज़ें चेक होती है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अबाउट में मेरा इंस्टा का लिंक है, या फिर अगर आप सर्च करेंगे पाया सिंह इंस्टा तो भी मैं आपको मिल जाऊंगी। तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच।